दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल। मकई मकई खाने जा रहे हैं दोस्तों, लोकल एकदम लोकल। सभी भाई लोग हैं, इन लोगों का शादी जा रहे हैं हम आज। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं भुट्टा खाने। मौसम भी ठंडा है भैया, भैया का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बनाए रही है वीडियो में, दिखाते हैं आप लोग को कैसे खाते हैं हम लोग भुट्टा। और ये चल रहे हैं साइकिल पे और हम लोग चल रहे हैं पैडल। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, पसंद आने से तो लाइक जरूर मारना। और देखिए दोस्तों, हमारा गांव का रास्ता ऐसा हो गया, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ बना हुआ, इतना जल्दी मतलब खत्म। तो आगे में मिलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा मतलब पलटन लोग जा रहे हैं। दोस्तों, मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए हमको बहुत शौक है दोस्तों, क्या करेंगे, गोप्रो नहीं है, बाइक तो है लेकिन फिर भी गोप्रो नहीं है, किसी को। और ये हमारा नेपाली भाई है लेकिन आसामी गांव में बेटा है, इसलिए आसामी से हो गया है ये भाई जो नेपाली है। और ये तो क्या बोलेगा, इसका देखिए चोल देखा है दोस्तों, इसका चोल एकदम मतलब क्या बोलेगा, किसका जैसा लग रहा है, जोनी भाई, जोनी भाई। और पीछे में है मेरा मोसा, मतलब फ्रेंड है, टीम का लीडर है, बॉस है। और दोस्तों, अभी हम दिखाएंगे ये गांव की जो मतलब रास्ताओं को, साइड में देखेंगे कितना हरा जंगल है दोस्तों, लाल लाल है, पीला पीला है। वाह दोस्तों, बारिश दिया है अभी थोड़ा पहले, छोड़ दिया बारिश, तो इसलिए अभी मौसम भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर चंद्र ग्रहण मतलब अभी ख़त्म हो चुका होगा, तो अभी कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, देखिए ना। ड्राइव करने वाला ये है भाई, हाय हाय, हम लोग जा रहे हैं साइकिल पे, और पीछे में आ रहे हैं और टीन, और हम लोग साइकिल पे चल रहे हैं दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये मकई। अभी बारिश का मौसम में काफ़ी मतलब इंटरेस्ट लगेगा खाने के लिए, मतलब बहुत ही मीठा है उसका मकई जो, ये मेरा ही वीडियो चल रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये आलू बड़ी ब्लॉग, मतलब इसको अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग जो। ओह विमान स्पीड, वो विमान स्पीड, वाह आप रे इतना स्पीड है, देखो ना दोस्तों, ये रोड से मतलब महावीरा मरापाट माजगांव यहीं से जाते हैं दोस्तों, ये सीधा यहाँ जाते रहने से आपको मिल जाएंगे महावीरा मरापाट माजगांव। पिछले वीडियो में मेरा महावीरा का वीडियो था। आइए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये जो ये गांव में, देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी हम लोग मतलब यहाँ से आ रहे हैं इनके खेत पर जहाँ पर मकई है, और मकई खाएंगे दोस्तों। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मन ही मन में मकई खाने के लिए, देखिए दोस्तों अदरक का खेती बढ़िया से लगा है। ये बीच में क्या है, दाल का पेड़ है, दाल है ना दो, यहाँ पर अदरक भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। मतलब क्या बोलेगा, हम खेती पोसने वाला ये जो खेती है, ये यहाँ पे थोड़ा नदी है, वो नदी को पार होके जाना पड़ेगा दोस्तों, दोस्तों ब्रिज। तो ब्रिज से पार होके जाना पड़ेगा, इसलिए ब्रिज बनाया ना दोस्तों। देखिए छोटा मोटा नाला है, वाह ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इस मछली पकड़ने के लिए जुगाड़ हो गया। तो दोस्तों चलते हैं उसके कैंप पर, मेरे दोस्त के कैंप पे, दोस्त नहीं एक्चुअली भाई है, क्योंकि हम दोस्त जैसे रहते हैं और फ्री है मेरा साथ। देखिए दोस्तों केले के पेड़, वाह केला लग रहा है, यहाँ पे कच्चू का भी खेती होता है, मतलब ये कच्चू है, ये मकई है दोस्तों, अभी मकई थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं हुआ लगाया हुआ, तो लगने से ये दोस्त का खेती है, ये खेती में है दोस्तों, ये जो ये बकरी का घर, वाह कितना आराम से रहता होगा ना बकरी, बकरी का घर
और इनके माँ बाप मतलब यहीं रहते हैं। ये दोस्त का, ये दोस्त का खेती है, मतलब यहाँ पर उनके माँ बाप रहते हैं और ये सब खेती उनके है। अभी हम उनके खेती है सब, ये मकई का खेती क्या क्या, और आगे में भी बहुत खेती है ऊपर, वहाँ भी क्या क्या खेती लगाया होगा। अभी हम फिलहाल खेती को नहीं देखेंगे, जो करने आए उसको काम करेंगे अभी हम लोग। ओए क्या कर रही है, क्या करेगा इसको? ओ मकई जला निकले, ओ लकड़ी की ज़रूरत है ना, ओ आग जला के ना। तो अभी हम भाई कहाँ से आएगा मकई ले निकले? वहाँ पे जगह भैया, अभी कौन सा जगह? अभी यहाँ से दिखा दीजिए ना, वहाँ में एक कैम्प है ना, वहाँ पे जाना पड़ेगा। पहले हम लोग आग को जला लेगा ना, आग को जलाने के बाद ही हम लोग मतलब मकई लेने जाएगा ना। ठीक है, तो आग को जला लेते हैं पहले। मुर्गी का बच्चा भी है ना, देखो देखो कितना गुस्सा हो रहा है उसका मम्मी, जो बच्चे का मम्मी कितना गुस्सा हो रहा है, देख काटेगा ये हमको। कितना गुस्सा सा पेड़ है दोस्तों, देखिए ना, वाओ। अरे ये क्या है, लोकल सब्जी है क्या? क्या क्या सब्जी है ये? मैसा, और ये फिडलट ढेकिया। दोस्तों हमको ये बहुत पसंद है ये चीज़ को, ये हम फिलहाल नहीं जानते। और यहाँ में लाई पत्ता भी है, ये लाई पत्ता मतलब यहाँ में सब्जी का कोई टेंशन नहीं है, मतलब जगह जगह पे टेंशन सब्जी है। अभी हम लोग जाएंगे मकई को तोड़ने के लिए। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना मकई। अभी मतलब ठंडा सीज़न का मकई तो काफ़ी टेस्टी होता है खाने के लिए, मीठा भी होता है थोड़ा, और मतलब अलग ही टेस्ट होता है मतलब ठंडा सीज़न का तो मकई जो। तो अभी हम लोग मकई के बारे में मिलते हैं दोस्तों, हम लोग का फर्स्ट लोग जा रहे हैं। वही सब लोग एक बार हाथ दिखाओ, मतलब मेरा बात सुनाई दे रहे हैं वो लोग को। और दोस्तों क्या बोलते हैं, ये आप लोग पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, हम चीज़ दिखाएंगे आप लोग को दोस्तों। ये जो ये पहचान रहे आप लोग, ये जो ये मतलब खेर बोलते हैं हम लोग, खेर मतलब इसी से हम लोग का पहले हम लोग का जो ट्रेडिशनल घर लोग था, मतलब पहले तीन का पत्ता नहीं था, मतलब पहले इसको ही काट के, मतलब ये जो इसको काट के मतलब सुखा के मतलब घर का ऊपर लगाता है, मतलब साल लगाता है, तो इसी से हम लोग का घर बनता था मतलब। तो अभी यहाँ पे अवेलेबल है हमारे गाँव पे, तो पहले ज़माने में मतलब इससे मतलब घर का ऊपर में इससे लगाता, टीम के बदले इसको ही लगाता था मतलब घर में। तो अभी क्या बोले, अभी ये सब मतलब इतना अवेलेबल नहीं है, अभी सब जंगल अब छपा हो गया, तो अभी टिंग लगा दिया रहा है सबका घर में, हम लोग का देसी घर में अभी सबका घर टिंग है। तो ये सब मतलब ये ज़माना ख़त्म, फिर भी कोई कोई लगाता है दोस्तों। मेरा भी एक है, एक तो मतलब गाय गोरु का घर है, तो हम भी हमेशा ही खेर लगा के रखते हैं। तो मतलब यहाँ में ऐसा लगाने से मतलब गर्म दिन में मतलब इतना गर्म भी नहीं होता है, और ठंडा दिन में इतना ठंडा भी नहीं होता है। कि मेरे पास पैसा है, ऐसे अभी हम मकई खरीदेंगे, पैसा निकाल के दिखाएंगे, दिखाने से अच्छा है आज मुझे बच्चे मतलब पैसा देने से पिघल जाएगा, तो अच्छा से मकई खाएंगे। और देखिए दोस्तों कितना बड़ा होगा, होगा होगा ना, एक क्विंटल जैसा होगी होगा, बहुत बड़ा है दोस्तों, देखिए ना। यहाँ पे भी एक है भाई, और यहाँ पे बकरी भी है। तो दोस्तों पोसने वाला हो गया, जो मालिक आ रहा है, जो मकई का मालिक वो आ गए भाई, काम ही बने गए, अरे काटेगा क्या कुत्ता, काम हुई होने की। गुंडन देना 50 टका मानर, गुंडन पूरी खाम। पचास टका मान दी, कितना पाए ना।
तो दोस्तों अभी मिल गया मकई, अभी हम लोग खाएंगे मकई जला के। मकई का मालिक आगे में है, मकई का मालिक आगे में है, पहुंच गया अगली बार। पैसा वैसा अभी दे दिया, अभी हम लोग मकई तोड़ने जाएंगे दोस्तों। ये मकई का बारी दोस्त, तोड़ो तोड़ो वहाँ तोड़ो, कितना तोड़ सकता है आप बोलिए तो, कितना तोड़ेंगे आप? और आप कितना तोड़ेंगे भाई? 20-25 तो मालिक का ऑर्डर है, 20-25 तो। तो पहले हम इसको देखते हैं, ये तो बहुत छोटा है, ये होगा अगर साइड। अभी थोड़ा कुमलिया है, मतलब छोटा है, तो हम अभी इसको तोड़ेंगे दोस्तों। ये मतलब ये इसका अंदर में है, तो ये ठीक है। मकई के बारे में आप किसे वीडियो बनाएंगे दोस्तों, फिर भी बना रहे, मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। ये भी एक है, अरे एक ये भी है, यहाँ पर भी है, तो दोस्तों पहले हम मकई को तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद अभी हम डायरेक्ट उसका केम में पहुँचेंगे, जलाएंगे, तो डायरेक्ट मिलते हैं वहाँ पर। तो देखते रहिए, आप देख रहे हैं शाम हो गया अभी दोस्तों, मकई भी एक जैसे तैसे पक गया मतलब, और तो मकई को खाते हैं दोस्तों, यहाँ में धूप पे जला रहे हैं। तो अभी हम जैसे जैसे एक पका लिया, वो भी इतना अच्छा से नहीं पका, फिर भी खाने लायक है, काफ़ी टेस्टी है दोस्तों, मीठा भी है खाने के लिए। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट में जाना बताना, कमेंट में भी बताना और आप लोग मकई खा के कैसा लगता है, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं आज के ब्लॉग ख़त्म, और कल और दूसरा ब्लॉग, आज के वीडियो इतने में समाप्त करते हैं, और मिलते हैं हम कल और दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप थैंक यू, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।